दोस्तों अक्सर हमने अपने आराध्य देव यानी कि प्रभु श्री राम को लेकर ये बातें सुनी है कि भाई जिनकी कथा को सुन सुनकर आज हम बड़े हुए हैं, क्या वो वास्तव में थे या फिर ये एक काल्पनिक कथा है। यानी भैया प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर कई लोगों के द्वारा लगातार सवाल खड़े किए गए हैं। तो दोस्तों ऐसे ही लोगों को जवाब देने की तैयारियों में जुट चुके हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अपनी आने वाली एक और फिल्म से, जिसका पोस्टर उन्होंने आज दिवाली के पावन अवसर पर जारी कर दिया है। तो दोस्तों कौन सी है ये फिल्म, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूँ और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी भैया बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी भैया गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भाई स्पीडी कुमार, अक्षय कुमार से। तो दोस्तों आपको तो पता है इन दिनों अक्षय कुमार अपनी आने वाली कई फिल्मों को लेकर चर्चाओं में है, जिसका काम वो एक एक करके पूरा करते जा रहे हैं। और भाई जैसे जैसे वो हर एक फिल्म का काम करते जा रहे हैं वैसे वैसे उनके खाते में कई सारी नई फिल्में जुड़ती जा रही हैं। तो दोस्तों आज उनके खाते में एक और नई फिल्म जुड़ गई है भैया राम सेतु के नाम से। यानी कि भैया अक्षय कुमार ने अपनी आने वाली एक और फिल्म का पोस्टर आज जारी करके ये बात बता दी है कि भैया बहुत जल्दी ही वो राम सेतु को सिनेमा घर में लेकर आने वाले हैं। यानी भैया बहुत ही दमदार पोस्टर हम लोगों के सामने आया है, जिसे देखने के बाद लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि भैया इस फिल्म में अक्षय कुमार प्रभु श्री राम का किरदार निभा सकते हैं। यानी भैया आप इस पोस्टर में देखोगे कि अक्षय कुमार राम सेतु के सामने चलते नजर आ रहे हैं और उनके पीछे प्रभु श्री राम का अक्ष नजर आ रहा है। यानी भैया इस पोस्टर को देखने के बाद दिल खुश हो गया और भाई इस पोस्टर को देखने के बाद दिमाग में एक बात और आ भी गई कि भाई इस फिल्म के माध्यम से अक्षय कुमार उस सच्चाई को लोगों के सामने लेकर आने की कोशिश करेंगे कि जिसके ऊपर में लगातार कई लोगों के द्वारा सवाल खड़े किए जाते रहे। यानी भैया इस पोस्टर में अगर आप देखोगे तो वहां पर दो शब्द लिखे हुए हैं, यानी कि मिथ या फिर सत्य। यानी भैया प्रभु श्री राम के सत्यता पर लोगों ने कई बार सवाल खड़े किए हैं और भाई ऐसे ही लोगों को जवाब देते नजर आएंगे इस फिल्म के माध्यम से अक्षय कुमार। यानी भैया इस पोस्टर को जारी करते हुए अक्षय कुमार ने लिखा कि इस दीपावली भारत राष्ट्र के आदर्श और महानायक प्रभु श्री राम की पुण्य स्मृतियों को युगों युगों तक भारत की चेतना में सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसा सेतु बनाएं जो कि आने वाली पीढ़ियों को प्रभु श्री राम के साथ जोड़कर रख सके। इसी प्रयास में हमारा एक छोटा सा संकल्प है राम सेतु। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। यानी कि भैया इस पोस्टर को जारी करते हुए ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं अक्षय कुमार की भैया इस फिल्म के माध्यम से वो एक ऐसे सेतु को बनाने की कोशिश करेंगे जो कि भैया युगों युगों तक प्रभु श्री राम को अपने भक्तों तक जोड़कर रखने का काम करेगी। तो दोस्तों इस पोस्टर को देखने के बाद तो मैं ये कह सकता हूं कि अक्षय कुमार एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म लेकर आने वाले सिनेमाघर में, जो कि लोगों के दिलों को छू जाएगी। तो दोस्तों इस फिल्म को लेकर यह जानकारी सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं अभिषेक शर्मा और इस फिल्म का काम बहुत जल्दी ही शुरू हो सकता है। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि अक्षय कुमार का यह पोस्टर आपको कैसा लगा और आपको क्या लगता है अक्षय कुमार ने जो बातें कही है कि भैया हम सबको मिलकर एक ऐसे सेतु की रचना करनी चाहिए जो कि युगों युगों तक हम लोगों के दिलों तक जुड़ा रहे। यानी कि भैया प्रभु श्री राम की गाथा जो है वो युगों युगों तक लोगों को याद रहे। आपको क्या लगता है अक्षय कुमार ने जो बातें कही है वो सही है कि नहीं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड न्यूज़ जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।